नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं ए जिंदगी। तो वैलेंटाइंस डे की तैयारियां शुरू हो गई। हालांकि आपने तो अपनी बहुत सारी तैयारियों की प्लानिंग कर ली होगी, लेकिन यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ये वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशंस का नहीं, थोड़ा सा सेड होने का मामला है। यानी जिनका हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ हो या जिनका दिल दुखा हुआ हो। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, एक शेर सुनिएगा। कतील शिफाई साहब कहते हैं कि ये ठीक है कि नहीं मरता कोई जुदाई में, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा ना करे। तो ये तो हुई शेर व शायरी की बात, लेकिन वाकई ये हकीकत है कि जिसका दिल टूटता है वही जानता है। हालांकि लोग कहते हैं कि प्यार मोहब्बत इश्क मुश्क की बातें तो पुराने ज़माने में, यानी उनके ज़माने में हुआ करती थी। आजकल के लोग तो लिंकअप करते हैं और ब्रेकअप करते हैं, मगर ये पूरा सच नहीं है। जिसका दिल टूटता है वही जानता है कि ये दिल टूटने का एहसास क्या होता है। और ख़ास तौर से जब वैलेंटाइंस डे जैसे मौके पर हवाओं में चारों तरफ प्यार मोहब्बत की बातें गूंज रही हों, ऐसे में अपने दिल को काबू में रखना कितना मुश्किल है, अपने आंसुओं को अपने जज्बात पर काबू पाना कितना मुश्किल है, ये वो दिल ही जानता है। लेकिन इस देश के जाने माने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर समीर पारेख हमें बता रहे हैं ब्रेकअप से या फिर अपने टूटे हुए दिल से उभरने के कुछ ऐसे टिप्स जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और इस मौके पर आपके बहुत काम भी आ सकते हैं। क्योंकि जो भी हो, जिंदगी चलते रहने का नाम है, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, द शो मस्ट गो ऑन। तो यहाँ हम बताने जा रहे हैं अब आपको कुछ ऐसे टिप्स जिनकी मदद से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने आप को रोने से मत रोकिए। जी हाँ, अक्सर कहा जाता है कि रोना कमजोरों की निशानी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अगर आपका मन इतना भरा हुआ है कि उसमें गुबार ही गुबार है, तो उसे बाहर लाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपका जी चाह रहा है रोने का, तो जी भर के रो लीजिए। बस ये याद रखिएगा कि आपके आंसुओं का वकार बना रहे और ये दिल का गुबार किसी दूसरे के सामने ना निकले। इसलिए अकेले में या फिर किसी विश्वसनीय व्यक्ति के सामने जी भर के रोइए और अपने आंसुओं के ज़रिए अपने दिल के गुबार को बाहर आने दीजिए। दरअसल रोने के ज़रिए आपका बहुत सारा अवसाद बाहर आ जाता है, जिससे आप तनाव में जाने से बच सकते हैं। इसलिए अगर ऐसे मौके पर आपको लगता है कि रो के आपका मन हल्का हो सकता है, तो रोने से कतई पीछे ना हटे, जी भर के रोइए, लेकिन किसी विश्वसनीय व्यक्ति के सामने या फिर अकेले में और चेहरा धोकर, ताकि आंसुओं की बरसात पानी की बूंदों के नीचे छिप जाए। एक का गम भुलाने को ना ले दूजे का सहारा। पहले ये बात कही जाती थी कि अगर कोई रिश्ता टूट भी गया तो क्या हुआ। रिश्ता मेट्रो की तरह है, एक जाता है दूसरा आता है। लेकिन रिश्तों के मामले में ये बात सही नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि किसी एक व्यक्ति से दिल टूट गया है तो क्या हुआ, और बहुत सारे लोग हैं, कहीं और दिल लगा लीजिए। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि कभी भी टूटे हुए दिल के साथ एक की याद भुलाने के लिए दूसरे का सहारा मत लीजिए, क्योंकि इसमें आपके रिश्ते में ईमानदारी नहीं होगी, बल्कि एक तरह का वो झूठ होगा जो आप अपने आप से बोल रहे हों। किसी भी रिश्ते में इन्वॉल्व होने के लिए ज़रूरी होता है कि दो लोगों में परस्पर समझदारी और सम्मान की भावना हो। लेकिन जब आप एक व्यक्ति से टूटे हुए दिल के साथ तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ते हैं, तो उसमें या तो बदला लेने की भावना हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, अपने एक्स पार्टनर को दिखाने की भावना हो सकती है कि देखिए हम तुम्हारे बिना मरे नहीं जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी अभी भी खुशहाल है। लेकिन ये ठीक नहीं है। कभी भी एक का गम भुलाने के लिए दूसरे के कंधे का सहारा मत लीजिए। अपने आप को वक्त देना भी ज़रूरी होता है। जी हाँ, एक ब्रेकअप के बाद सबसे पहले आप अपने आप को वक्त दीजिए। इस बात को सोचने की कोशिश कीजिए कि जो भी वजह रही हो, अपने आप को उसका अकेले जिम्मेदार मत मानिए। जिस तरह से कोई भी रिश्ता दो लोगों के परस्पर जुड़ने से होता है, जुड़ने से बनता है, जुड़ने से आगे बढ़ता है, उसी तरीके से जब कोई रिश्ता टूटता है तो उसमें भी दोनों ही लोगों की जिम्मेदारी बराबर की बनती है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को वक्त दीजिए।
इस वक्त का उपयोग आपको इस बात के लिए नहीं करना है कि जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, उससे बाहर आइए। और अपने आप को वक्त देने का मतलब है अपने शौक को, अपनी हॉबी को और इस हादसे से खुद को उबरने के लिए वक्त देना। याद कीजिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा, कोई ऐसा शौक, कोई ऐसी दिलचस्पी, कोई ऐसा जुनून जो कभी ना कभी आपके सर चढ़कर बोलती हो, जैसे कि पोइट्री का शौक, जैसे कि गाने का शौक, जैसे कि नाचने का शौक या फिर पेंटिंग। तलाश कीजिए अपने अंदर वो छिपी हुई ख्वाहिश जो कभी आपके लिए हर चीज़ से बढ़कर होती थी। ट्रैवल या नया हेयर कट, ये भी दे सकता है खुशी। आपको बड़ा अजीब लगेगा कि हम बात तो ब्रेकअप की कर रहे हैं लेकिन सजेशंस दे रहे हैं किसी घुमक्कड़ी के, किसी ट्रैवल पे निकल जाने के या फिर किसी हेयर कट पे, इससे फर्क क्या पड़ेगा? तो हम कहेंगे कि हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ऐसा करके तो देखिए। अगर आप ब्रेकअप के दर्द से गुजर रहे हैं तो कोई अच्छा सा स्पा लीजिए, कोई नया हेयर कट लीजिए, अपने लुक में चेंजेस लेकर आइए या फिर किसी दूर सी मंजिल पर घूमने निकल जाइए, क्योंकि बदली जगह, बदली फिजा और बदली हवाएं आपके मन को भी बदलने का काम करेंगी और साथ में आपका ये जो बदला हुआ रूप होगा ये आपके अंदर छिपे हुए दर्द को कम करके नई खुशियों को वेलकम कहेगा। कुछ ऐसा कीजिए जो पहले कभी ना किया हो। अभी तो हमने आपसे कहा कि अपने हॉबी के लिए, अपने शौक के लिए वक्त निकालिए, लेकिन जब हम पुरानी चीजों से पीछा छुड़ा रहे हैं, पुरानी यादों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो पहले कभी ना किया हो। जैसे कि शायद आपको ड्राइविंग ना आती हो या शायद आप स्विमिंग ना जानते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आकर्षित तो करती है लेकिन आती नहीं है, तो ये सही मौका है उसे सीखने का। पिलो फाइट्स फायदेमंद होती है। जी हाँ, हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पिलो फाइट के जरिए आप वो गुस्सा बाहर निकाल सकते हैं जो अपने पार्टनर पर नहीं निकाल पाए। मान लीजिए इस ब्रेकअप के बाद आपका जी चाह रहा हो कि आप सामने वाले पर ताबड़तोड़ घूंसों की बरसात कर दें, पर रियल लाइफ में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो चलिए क्या करते हैं कि ये काम हम अपने पिलो के जरिए पूरा करते हैं। तो अपने पिलो से जी भर के शिकायत कर लीजिए, उससे लड़ लीजिए, उसकी पिटाई कर लीजिए, उठा उठा के पटक दीजिए, लेकिन कुछ भी करके अपने भीतर का गुस्सा बाहर आने दीजिए, क्योंकि चाहे दुख हो या गुस्सा, अगर उसे मन में पाला जाए तो वो अवसाद का रूप ले लेता है। और ब्रेकअप चाहे कितना भी गहरा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, वो आपकी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं हो सकता। इसलिए अपने मन के अवसाद को बाहर आने दीजिए और अपने आप को दीजिए दूसरा मौका। डायरी की मदद लीजिए या काउंसलर की। आप सोच रहे होंगे कि डिजिटल वर्ल्ड में, जबकि दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि चिट्ठियां या कुछ लिखना बीते जमाने की बात लगता है, तो ऐसे में हम आपको डायरी लिखने की सलाह दे रहे हैं। जी हाँ, डायरी दरअसल आपका एक ऐसा साथी या ऐसा दोस्त साबित हो सकता है जो आपकी सारी बातें सुनेगा तो सही मगर कहेगा किसी से नहीं। इसलिए आप अपने मन को हल्का करने के लिए या अपनी बातें साझा करने के लिए अगर किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी कागज़ और कलम पर भरोसा कीजिए, यानी अपनी डायरी पर। और अगर इन सब के बावजूद आपको लगता है कि आप अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी मनोवैज्ञानिक या काउंसलर की मदद लेने से झिझके नहीं बल्कि आगे बढ़िए, क्योंकि किसी भी तरह से आपका इस स्थिति से बाहर आना ज़रूरी है। अब चाहे वो आप खुद अपने बूते से कर सकें, किसी दोस्त की मदद से कर सकें या फिर काउंसलर की मदद से। काउंसलर आपकी तमाम बातों को न सिर्फ समझेगा बल्कि आपकी स्थिति, आपकी मनस्थिति, आपकी मनोदशा और आपके फिजिकल कंडीशन को देखते हुए ज़रूरी सजेशंस भी दे सकेगा। क्योंकि कई बार हम इसी अवसाद से गुजरते गुजरते गहरे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और ऐसे में हमारे लिए क्या सही है ये एक काउंसलर ही तय कर सकता है। इसलिए अगर ज़रूरत हो तो काउंसलर की मदद लेने से चूके नहीं। तो ये तो थे कुछ ऐसे छोटे छोटे सजेशंस जो आपको ब्रेकअप के दर्द से बाहर लाने में काम आ सकते हैं। और जब चारों तरफ वैलेंटाइंस डे की खुशियां छाई हों तो आप भी अपने चेहरे पे मुस्कुराहट आने से मत रोकिएगा बल्कि
खुद अपने आप से प्यार करना सीखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताए ब्रेकअप से और ब्रेकअप से हुए दर्द से उभरने के कुछ टिप्स, लेकिन बहुत सारी बातें छूट गई होंगी। हालांकि इसमें जो हमने टिप्स आपको बताए हैं वो जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर समीर पारिक द्वारा बताए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत कुछ जो शायद आप हमसे जानना चाहते हो या हम बताना भूल गए हों, या हमने जो बातें आपसे शेयर की हैं वो आपको कैसी लगी, ये तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे ही। लेकिन इसके अलावा हम चाहेंगे कि प्लीज़ 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 आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और इसके लिए सब्सक्रिप्शन भी ज़रूरी है, तो बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।